ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रुजी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट हो गए हैं। कन्यादेवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण प्रकाशं शातां तपसं श्री कृष्ण गुरुणा सुमुदी नमो जगत्पते गोपेश गोपिकातां तराधाकं तरमुस्तुते तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शुभांस्ते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छातं कृतरूपेषु कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनी नमस्ये पुरुषं वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परं अलक्षं सर्वभूतानां अंतर्बहिर् अवस्थितम्। श्रीमती कुंती ने कहा, हे श्री कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करती हूँ क्योंकि आप ही आदि पुरुष हैं और इस भौतिक जगत के गुणों से निर्लिप्त रहते हैं। आप समस्त वस्तुओं के अंदर तथा बाहर स्थित रहते हुए भी सबके लिए अदृश्य हैं। वैसे तो पहले दो लाइन हम चर्चा कर चुके थे, जहां पर कुंती महारानी प्रणाम कर रही है। वो प्रणाम करते हुए कह रहे कि नमस्ते पुरुषम पाद, मैं कोई साधारण व्यक्ति को प्रणाम तो नहीं कर रहा हूं, ऐसा मत सोचो कि मैं अपने क्या कहते हैं नेफ्यू, नेफ्यू मतलब भतीजे। हाँ, मैं अपने भतीजे को मैं प्रणाम कर रहा हूँ, तो मत सोचो मैं तो आदि पुरुष को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। ये बात अवगत करने के लिए शुरुआत में ही कुंती महारानी ने कहा कि नमस्ते पुरुषम पाद्यम, मैं इस प्रकार से एक आदि पुरुष को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। और किस प्रकार के हैं? ईश्वरम प्रकृति परम, और परम ईश्वर है जिनको मैं प्रणाम कर रहा हूं। इस प्रकार से ये सारा चीजें हम पिछले बार चर्चा कर ही चुके थे। अभी अलक्षम सर्वभूतानां अंतर बहिर अवस्थितम,
ये गेटिंग द आईज टू सी गॉड जो हम दूसरा सेशन है उसके अंतर्गत उपयोग की जाने वाली श्लोका है अलग शमसा को भूताना अंतर बहिर अवस्थित कुंभी महारण कहती है भगवान आपको अंतर बहिर अवस्थितम अब अंदर भी हो बाहर भी हो क्योंकि एग्जैक्टली वही हो रहा था कुंभी महारानी काम के सामने क्या हुआ कुंभी महारानी जो देखती रहती थी भगवान कृष्ण रथ पे बैठे हुए थे एंड फिर साथ ही साथ उन्होंने ये भी देखा कि इस प्रकार से भगवान कृष्ण अपने वो उत्तरा की गर्भ के अंदर भी प्रवेश करके उनका गर्भ का भी संरक्षण कर लिया तो उत्तरा के गर्भ के अंदर भी है और बाहर उनके आंखों के समक्ष भी है तो इस प्रकार से अंतर बहिर दोनों जगहों पर आप एक ही समय पर उपस्थित हो और उस प्रकार से एक अंडरस्टैंडिंग भी है साथ ही साथ ये भी है कि आप हर हर वस्तु और या हर चीज की आप अंदर भी हो और हर चीज की बाहर भी हो जैसे यही बात ईशो परिषद के अंदर कहा जाता है अंदर कहा जाता है तन्नेजति तद्दूरे तद्बन्धिके तदंतरस्य तदंतरस्य सर्वस्य तद् तद्दू बाह्यस्य तद्दू सर्वस्यास्य बाह्यतः इसमें भी कहा कहते हैं भगवान आप चलते भी हो और नहीं भी चलते हो और आप फिर आगे हम क्या कर आप हर तद सर्व तद अंतर सर्वस्यास्य मतलब आप हर चीज के अंदर भी हो और हर चीज के बाहर भी हो इसलिए वहां पर कोई एक चीज के विषय में कहा नहीं जा रहा जैसे यहाँ पर तो केवल अगर गर्भ के विषय में कहा जाए तो गर्भ के अंदर ही कोई सोच सकता है अच्छा ठीक गर्भ के अंदर भी गर्भ के बाहर है बट यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप हर चीज के अंदर भी हो और हर चीज के बाहर भी हो यहाँ तक भी एक अणु भी अणु के अंदर भी भगवान है और अणु के बाहर भी भगवान है और ब्रह्मांड के अंदर भी भगवान है और ब्रह्मांड के बाहर भी भगवान है तो उस प्रकार से हर जगह भगवान व्याप्त है इसलिए कोई ऐसा जगह इस दुनिया में है ही नहीं जहां पर भगवान है नहीं तो इस प्रकार की बात यहाँ पर कुंभी महारानी बता रही है बहुत बड़ा तत्व की बात है क्योंकि तो प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप के सामने ही बात कहते भगवान भगवान तो हर जगह है जहां नहीं है पता हो पहले तो कहां कहां बताने में थक जाऊंगा तो इस प्रकार से भगवान हर जगह है बट यहाँ पर वैशिष्ट या बहुत विशेष बात क्या है कि आप हर जगह होने के बाद अलग क्षम कि आप दिखते तो नहीं है आप कलरिंग करो आप दिखते नहीं आप वैसा हर जगह तो है यही विचित्र है कोई आप सोचिए कोई हर जगह है पर दिखते नहीं तो सच में बहुत विचित्र है ना बहुत विचित्र यही बात यहाँ पर कह रहे हैं अगर मान लीजिए अगर आपसे कहे कि मैं आपके घर पे हूं बट मैं दिखता नहीं हूं फिर बहुत अजीब सा है ना आपको कहीं और बैठे हुए हैं आप हमारे घर पे कैसे हैं फिर मैं आपके घर पे हूं मैं दिखता नहीं हूं तो अजीब सा है उसी प्रकार से यहाँ पर कुंभी महारानी भी कह रहे भगवान कृष्ण में कि आप हर जगह व्याप्त हो पर फिर भी दिखते नहीं है क्योंकि ये सच में बहुत विशिष्ट है क्योंकि जिस भगवान को योगी ऋषि मुनि तो सोचते रहते हैं जीवन भर दिख जाए करके बट फिर भी दिखते नहीं है बट ये भी कहा जा रहा है कि हर जगह भी है हर जगह होते भी नहीं दिखना बहुत बड़ी बात है तो यही बात यहाँ पर कुंती महारानी बता रही है
इसलिए कुंती महाराज समझ नहीं पा रहे कि सच में भगवान हर जगह व्याप्त है या एक ही जगह पर स्थित है, एक ही जगह पर स्थित है या हर जगह व्याप्त है। इसलिए ईशोपनिषद में एक और श्लोक में कहा जाता है कि भगवान आप सभी को दौड़ने में रनिंग रेस में सभी को आप पार कर जाते हो। अगर कोई रनिंग रेस रखे देन कौन विन हो, कौन जीतेंगे? अगर रनिंग रेस रख दी जाए कौन जीतेंगे? ईश्वर मिशन कहा कि भगवान जीतेंगे, भगवान जीतेंगे। फिर भगवान को जीतने के लिए कहीं चलना होगा क्या? चलने के भी जरूरत नहीं जीतने के, क्योंकि जहां पर ये लोग पहुंचने वाले हैं इतना दौड़कर वहां पर भगवान ऑलरेडी है, तो फिर भगवान जाने के लिए क्या जरूरत पड़ी है? समझना है, जहां पर उनको दौड़कर जाना पहुंचना होता है वहां पर भगवान ऑलरेडी है ना, उनको वहां बस वहां पर प्रकट हो जाना है। ठीक है बेटा आप आ जाओ मेरे पास, फिर जो बहुत धूम से दौड़ कर आ रहे हैं उनको कहेंगे ठीक है आ जाओ। तो इस प्रकार से भगवान जहां पर वो दौड़ कर जाएंगे वहां पर भी है, और जहां से दौड़ना शुरू किया वहां पर भी है। इसलिए भगवान सभी को दौड़ने में भी सभी लोगों को पार कर देते हैं। तो इस प्रकार से भगवान हर जगह व्याप्त है। इसलिए कुंती पुराण भी अभी एक प्रकार से विस्तृत हो गई कि भगवान एक जगह पर या हर जगह है क्या है। जैसे मैंने कहा हर जगह होने के बाद भगवान दिखते नहीं है, इसका कारण अगले श्लोक में कहा जाता है। क्या कारण उसकी वजह से भगवान हर जगह व्याप्त होने के बाद भी सभी लोगों को दृष्टिगोचर नहीं होते? इसका श्लोक है माया जवनी का चन्नम अज्ञा अदोक्षजम अव्ययम् न लक्षसे मूल दृशा न तो नास्य धरो यथा। सीमित इंद्रिय ज्ञान से परे होने के कारण आप मोहनी शक्ति माया के पर्दे से ढके रहने वाले शाश्वत अव्यय तत्व हैं। आप अल्पज्ञानी दर्शक के लिए ठीक उसी प्रकार अदृश्य रहते हैं जिस प्रकार अभिनेता के वेश में कलाकार पहचान में नहीं आता। माया जवनी का अच्छन्नम, जवनी का मतलब कर्टेन पर्दा डाल देने पे पर्दा का पीछे जो कुछ भी हमें दिखाई नहीं पड़ती, उसी प्रकार से माया की पर्दा हमारा बीच में और भगवान के बीच में लगा हुआ है, जिसकी वजह से माया की पर्दा लगा हुआ होने के कारण हमें माया के पीछे जो है भगवान छुपे हुए तो वो हमें दिखते नहीं है। तो अल्टीमेटली हमारी दृष्टि को कौन रोक रहे हैं? वो ये माया है। इसलिए कहा जाए माया जवनी का छन्नम, अच्छन्नम मतलब कवर कर देना, जवनी का मतलब कर्टेन है, माया नामक एक कर्टेन ने भगवान को दिखे बिना ढक दिया, कवर कर दिया। यही बात एक अन्य जगह भी कहा जाता है नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समाग्रता, मैं सभी लोगों को दृष्टिगोचर नहीं होता, सभी लोगों को दिखता नहीं हूं मैं, नाहम प्रकाश सर्वस्य, सभी लोगों को मैं दिखता नहीं हूं। फिर क्या कैसे है? योग माया समाप्तता, योग माया से मैं ढक जाता हूं जिसकी वजह से मैं सभी लोगों को दिखता नहीं। तो उस प्रकार से भगवान हर जगह होने के बाद भी योग माया ने ढक दिया। तो यहां पर आप एक बहुत विशेष सिद्धांत समझना चाहिए कि भगवान को योग माया ने ढक दिया या हमारा दृष्टि को माया ने ढक दिया। हमारा दृष्टि को माया ने ढक दिया या भगवान को ढक दिया, ये सोचने वाली बात है ना। अगर भगवान को ढकना है तो इन माया को कितना विस्तार करना पड़ेगा, तो हर जगह भगवान ने कहा कहा भगवान को ढक दी, रादर हमारी आंखों को ढक दी जाए देन भी भगवान देखेंगे नहीं ना। तो एग्जैक्टली यही है कि हमारा दृष्टि को ढक देती है,
जिस प्रकार से ये उदाहरण दिया जाता है, सूर्य का ही सृष्टि है बादल, सूर्य का ही सृष्टि है बादल, सूर्य नहीं तो बादल भी नहीं है, इसलिए सूर्य का ही शक्ति का विस्तार माना जाता है बादल को भी, जिस प्रकार से माया भगवान का शक्ति का विस्तार है, तो वैसा सूर्य का ही शक्ति से प्रकट हुआ बादल कई बार सूर्य को देख, मतलब जब हम सूर्य को देखने को प्रयास करते हैं हमें देखने नहीं देती है बादल, बीच में आ जाती है, तो फिर लोग कहते हैं कि बादल ने सूर्य को ढक दिया, कि बादल इतना बड़ा है कि सूर्य को ढक सकती है, कभी नहीं, बादल एक्चुअली हमारा दृष्टि को ही ढक पाती है, उनके पास इतना शक्ति ही नहीं है कि सूर्य को पूरा ढक सके, सूर्य को ढकने का मतलब इतना विस्तार भी तो है ही नहीं, क्योंकि सूर्य कितना बड़ा विस्तार है और बादल तो कितना होगा, तो सूर्य को कभी ढक नहीं पाए, इसलिए सूर्य को, अगर सूर्य को ढक दिए होते देन बाकी लोग जो जहां अलग अलग स्थान पे जो स्थित है उनको भी तो दिखना नहीं चाहिए, अगर सूर्य को ही ढक दिया होता देन फिर अलग अलग जगह पर जो लोग स्थित है उनको भी दिखना नहीं चाहिए, बट हमें दिखता नहीं है, अन्यों को दिख रही है, तो इसका मतलब यही है कि केवल हमारा दृष्टि को बादल ने ढक दिया, अन्यों का दृष्टि को नहीं, तो उस प्रकार से यहाँ पर बादल केवल हमारा दृष्टि को ढक दिया ना कि सूर्य को, उसी प्रकार से माया जो है ये माया जबल का छन्नम के माध्यम से केवल माया हमारी दृष्टि को ढक देती है ना कि भगवान को, भगवान को कभी भी भगवान आवृत नहीं होते हैं, जिस प्रकार से अलग एंगल से जो देखने वाले लोगों को सूर्य दिखाई पड़ते हैं बादल होने के बावजूद भी, उसी प्रकार से जो लोग शुद्ध भक्त है उन्हें तो भगवान हर जगह प्रतीत होते हैं, जैसा ब्रह्म संहिता में भगवान कहते ब्रह्मा जी कहते हैं प्रेमांजन चुरित भक्त विलोचने संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, संत सदैव 2400 घंटे शुद्ध भक्त तो देखते ही रहते हैं भगवान को, लोग देख पा रहे हम नहीं देख पा रहे, इसका मतलब यही है हमारे दृष्टि को माया ने ढक दिया और उनके दृष्टि को माया ने ढका नहीं, तो ये बात यहाँ पर समझना चाहिए, तो इसे माया जवनी का छन्नम अज्ञ अदोक्षजम अव्ययम, अदोक्षजम भगवान किस प्रकार से हैं, अध अक्षजम, अक्षजम मतलब हमारे इंद्रिया, अध मतलब कम पड़ना, जिन्हें समझने के लिए इंद्रिया कम पड़ जाती है, या दूसरे वचनों में जिन्हें हम अपने भौतिक इंद्रियों के द्वारा हम जिन्हें हम जिनकी अनुभूति या जिन्हें हम देख नहीं सकेंगे, देखने का मतलब है जिनको हम सुन नहीं सकेंगे, जिनको कान आंखों के द्वारा देख नहीं सकेंगे, कानों के द्वारा सुन नहीं सकेंगे, नाक के द्वारा हम सूंघ नहीं सकेंगे, शरीर के द्वारा हम स्पर्श नहीं कर सकेंगे, जिनकी स्वाद हम नहीं ले सकेंगे, इसका मतलब यही है आज तक हम कभी भगवान का नाम को ना सुन पाया, ना भगवान को देख पाया, ना भगवान को स्पर्श कर सका, ना भगवान के फूलों को सुगंध हम सही में ले सके, ना कभी भगवान के प्रसाद को हम छक सके, ये असलियत में कभी आज तक हुआ नहीं, क्योंकि ये सारे ही भगवान जब दिन है ना, भगवान का प्रसाद हो, भगवान का फूल अर्पण किया हुआ फूल हो, भगवान के नाम हो, ये सारा भगवान का दिन है, तो उन चीजों को अनुभव करने के लिए हमारे पास जो इंद्रिया है वो पर्याप्त नहीं है, जिस प्रकार से अर्जुन भगवान को जब देखने की बात आई भगवान को अपने आंखों से देख नहीं पाया, इसलिए भगवान को क्या देना पड़ा, दिव्य दृष्टि देना पड़ा, उसी प्रकार से जब तक हमारी इंद्रिया दिव्य नहीं बनेंगी, दिव्य बनने का मतलब शुद्ध नहीं होंगी, तब तक हम भगवान को न स्पर्श कर सकते हैं, न देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, न सुन सकते हैं, ना हम खा सकते हैं,
कुछ भी नहीं कर सकेंगे जब तक हमारा इंद्रिया शुद्ध नहीं होगी। इसलिए इन इंद्रियों को अपनी अपने पे जमा हुआ मल को काम को निकालने के लिए, जैसा हम तीसरा अध्याय में जब भगवद्गीता के तीसरा अध्याय जब चर्चा करते वक्त बताई गई ना, काम कहाँ कहाँ पर रहती है, तीन स्थान बताए कहाँ कहाँ, तो बुद्धि मन और अरे आवाज अभी आ रहे अभी डिस्टर्ब नहीं है। हरे कृष्ण कृष्ण
उस प्रकार से अधोक्षजम को जो बता रहे थे ना, तो जब तक हमारे इंद्रियों को हम शुद्ध नहीं करेंगे तब तक भगवान को हम इस इंद्रियों के द्वारा हम न भगवत ग्राह्यम ग्रहण नहीं कर पाएंगे हमारे इंद्रियों भगवान को इन इंद्रियों के द्वारा। और फिर नेक्स्ट, इसलिए इंद्रियों को शुद्ध करने का तरीका ही ये भक्ति योग है। जैसे कहा जाता है सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम। अपना इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी जो कि भगवान कृष्ण उनकी सेवा में लगाना ही भक्ति रुचते, वही भक्ति है। तो इस प्रकार से अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने के द्वारा हम अपने इंद्रियों को शुद्ध करते हैं एंड शुद्ध किया हुआ इंद्रिय ही भगवान को ग्रहण कर सकती है, भगवान ग्रहण कर सकते हैं। और जब भगवान को ग्रहण करने लगेंगे तब जाकर हमें आनंद और रुचि और संतुष्टि आएगी भक्ति करने से। तब जब तक इस प्रकार से ग्रहण करने का क्षमता हमारी इंद्रियों में नहीं आती तब तक आंख बंद करके दबाई लेते रहे। जैसे जब दवाई लेने का समय आता है तो फिर कई लोग मतलब बच्चे को आंख बंद करके लेते हैं, ठीक है कैसे ले लेना, अच्छा ठीक है माला करना है थोड़ा जबरदस्ती जैसे भी कौन हो तो माला कर लेना है। उस प्रकार से नियमित रूप से आप दवाई लेते रहिए, कंटिन्यू करते जाइए, फिर अंदर धीमे धीमे शुद्ध हो जाएगी। फिर आगे अव्ययम, भगवान को कोई इरिप्रोचेबल, क्या हिंदी में क्या कहते हैं अव्ययम शब्द का क्या बताया था? अव्ययम को हिंदी में क्या कहते हैं? वहां पर होगा ना प्रतिपदा, खर्च ना हो, जैसे अव्ययम शब्द का अनेक अर्थ होता है। जैसा कोई भगवान को अप्रोच भी नहीं कर सकते हैं, भगवान पहुंच भी नहीं सकते हैं, तो यही बात ईशोपनिषद में भी एक पर इस प्रकार से कहा गया है देव अनुमान, मतलब देवताओं को भी देवताएं भी भगवान को पहुंच नहीं पाएंगे, देवताओं को भी पकड़ में भगवान नहीं आते। यहां तक भी सारे ब्रह्मा जी भी जब कोई समस्या होती है सारे देवताएं मिलकर ब्रह्मा जी के पास आते हैं, ब्रह्मा जी जो है फिर सारे देवताओं को लेकर फिर क्षीर सागर के तट पर जाते हैं। क्षीर सागर के तट पर जाकर ब्रह्मा जी और सारे देवताएं प्रार्थना करने के बाद भी कभी कभी भगवान दिखते नहीं, वहीं से आवाज दे देते हैं ठीक है समझ गया आप जाइए, वहीं से आवाज दे देते पर बस इतना ही फिर जाओगे हो गया। कभी कभी भगवान दर्शन दे देते हैं एंड वो दर्शन भी मोस्टली ब्रह्मा जी देख पाते हैं, बाकी लोग देख नहीं पाते। तो वैसा है भगवान, उस प्रकार से जहां ब्रह्मा जी इत्यादि लोगों का भी पहुंच में नहीं भगवान कोई पहुंच नहीं। यहाँ पर और न लक्ष्य मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा, मूढ़ दृशा मतलब न लक्ष्य मतलब देख नहीं पाते हैं, कौन देख नहीं पाते, मूढ़ दृशा जो मूर्ख लोग हैं, मूर्ख बुद्धि वाले लोग देख नहीं पाते हैं
जैसे जैसा कि कोई मूर्ख व्यक्ति अपना ही रिश्तेदार कोई अगर कोई नाटक में कोई रोल प्ले कर रहे हैं तो अपने रिश्तेदार को पहचान नहीं पाते, वो जिस वेश में है वो पहचान नहीं पाता है, उनको बताना पड़ता है प्रभु ये तो आप ही का है, आपका बेटा है, उन्हें समझ नहीं आता है अच्छा मेरा ही बेटा यहाँ पर रोल कर रहा है, रोल प्ले कर रहे हैं। इसलिए कहा नटो नाट्य धरो यथा, नट मतलब एक्टर है, नाट्य धरो यथा मतलब जिस प्रकार से एक एक्टर को जब जब वो अपना एक्टिंग कर रहे हैं अलग प्रकार के वेश पहनकर, उस परिस्थिति में जिस प्रकार से अन्य लोग पहचान नहीं पाते हैं मूर्ख लोग, उसी प्रकार से जब भगवान आप इस धरातल पर आते हो एक प्रकार का लीलाएं संपन्न करने के लिए, साधारण लोग जो है मूर्ख लोग जो है पहचान नहीं पाते आपको। कितना अच्छा उदाहरण कुंभी महाराज दे रहे हैं। देखिए मतलब जितना जो कुछ सिद्धांत बताने है सारा कुछ अभी तक बता दी, भगवान के विषय में आदोप सच करके बताई, अव्ययम बताई, माया जवन का छंद बताई, और फिर कह रहे थे कि देखो न लक्ष्य मूड दशा हमेशा न टू नाक्र हो गया था, तो ये भी बहुत बड़ा सिद्धांत है। तो इस प्रकार से अनेक सिद्धांत बता रही है, तो अभी आगे भी एक और सिद्धांत बताई। फिर इतना पता होने के बाद भी कुंती महारानी अपने आप को कितना नम्रता के साथ प्रस्तुत करते भगवान के सामने, अब आगे जाकर देखेंगे। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये मूड दृशा कहा जाए, मूड दृशा मतलब लेस इंटेलिजेंट, कम बुद्धि वाले लोग। तो कम बुद्धि वाले लोग होते कौन है, जो लोग भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं या भगवान का खिलाफ जाने का प्रयास करते हैं, वो लोग बुद्धिहीन लोग हैं, कम बुद्धि वाले। तो वैसा लोग भगवान राम लक्ष्मण वराह रूपों में यहाँ पर जब आते हैं इन पहचान नहीं पाते। जिस प्रकार से भगवान कृष्ण वैसे तो सभी लोगों के सामने तो खड़े ही थे, बट बहुत ही गिनी चुने द्वापर युग में भी भगवान के समय पे बहुत ही गिने चुने लोग ही भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में पहचान सकते, सभी लोग नहीं पहचान पा रहे थे। उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु भी तो थे ही 500 साल पहले, सभी लोग चैतन्य महाप्रभु को पहचान नहीं पा रहे थे, बहुत कम ही लोग पहचान पा रहे थे। तो उस प्रकार से ये मूड दिशा लोग जो है फिर वो लोग को समझ नहीं आता है कि भगवान ही है करके। इसलिए हमें शुद्ध भक्तों की दृष्टि के द्वारा हमें देखना है, हमारा तो वैसे ही मूड दृशा है, तो इसलिए न लक्ष्य हमें दिखेगा नहीं। तो फिर हमें क्या करनी चाहिए, हम अपने आंखों से ना देखकर हमें अपने आचार्यों की आंखों से देखें। इसलिए हम बुद्धिमान नहीं भी हो फिर भी बुद्धिमान लोगों के पद चिन्हों पर अनुसरण करेंगे तो फिर क्या होंगे, हमारे भी सारे कार्य हमारे भी पद वही होगा जो बुद्धिमान लोग चलते हैं। जो बुद्धिमान लोग चलते हैं तो फिर वही हो जाएगी, बिकॉज हम बुद्धिमान लोगों के पीछे पीछे चलते। इसलिए कई बार विश्वास भी इस प्रकार से रखा जा सकता है, ठीक है मैं वैसे भी मूर्ख हूँ, बट इतने बुद्धिमान विद्वान लोग जब रामानुजाचार्य जब इस प्रकार से मध्वाचार्य चेतन महाप्रभु शरद गोस्वामी भक्तदास महाराज सभी लोग भगवान कृष्ण को परम भगवान के रूप में मान रहे हैं, तो इतने बुद्धिमान लोग इतने शास्त्रों की ज्ञाता अगर ये सभी लोग कृष्ण को परम भगवान के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, देन फिर मेरा विश्वास तो उनकी बुद्धि पे है। इसलिए अगर वैसा बुद्धिमान लोग भगवान को मान रहे तो मैं भी मानूंगा, ये इंटेलिजेंट डिसीजन होगा ना। तो इतना तो बुद्धि तो होगा
इतना तो बुद्धि तो होनी चाहिए, क्योंकि मुझे इंटेलिजेंट लोगों को मुझे मानना है, बुद्धिमान लोगों को मानना है, इतना तो बुद्धि रखिए, तब भी हम अच्छे ही कार्य करेंगे। तो इस प्रकार से ये बहुत बड़ा एक लेक्चर में प्रभुपाद जी ये लॉजिक दिया है। तो एटलीस्ट वी कैन इन्वेस्ट आवर फेथ इन दिस इंटेलिजेंट वे, बहुत ही बुद्धिमानी के साथ अपना विश्वास को हम इस प्रकार से बुद्धिमान लोगों की बातों के आधार पर हम विश्वास रख सकते हैं। यहां पर प्रभुपाद जी जो भगवान को समझ नहीं सकते हैं उनकी कई कारण यहां पर बताते हैं। तो पहला कारण प्रभुपाद कहते हैं कि पूर फंड ऑफ नॉलेज, ज्ञान ही कम होने के कारण लोग समझ नहीं पाते। जैसा उदाहरण के लिए हम लोग भी क्यों ना हो, हम भी जब हम इस्कॉन में भक्तों के संपर्क में आने के पहले हमें भी तो थोड़ा भी ज्ञान नहीं था, अभी थोड़ा बहुत हम ज्ञान हम सीख रहे हैं, तो उस ज्ञान के आधार पर हमारा विश्वास बन रहे कृष्ण परम भगवान। तो ये ज्ञान की कमी के कारण हम पहले नहीं मान पा रहे थे, ज्ञान की कमी के कारण हम पहले नहीं मान पा रहे थे, बट वही ज्ञान अभी देने पर हम अभी मान पा रहे हैं। तो उस प्रकार से कई लोग भगवान को नहीं मान पाते क्योंकि एक मुख्य कारण यह है पोअर फंड ऑफ नॉलेज, ज्ञान की कमी के कारण। तो ये कारण को बच कहते हैं। फिर आगे कहते हैं एंड पार्शियली ड्यू टू द स्टबर्न ऑब्स्टिनेसी, एंड कभी कभी इसकी वजह से भी होता है लोग स्टबर्न ऑब्स्टिनेसी को क्या कहेंगे, वितर्क वितंडवाद करते हैं वो, मतलब वो ये लोग ऐसा है कि आप चाहे जितना भी ज्ञान दे भी दो और जितना लॉजिक आप सुनाए भी, फिर भी वो कहते हैं मेरे ही मान्यता सही है। अब उन्हें कुछ भी खूब समझाओ फिर भी नहीं समझने वाले, क्योंकि वो अपने बात को लेकर एक जिद्दी बन गए कि नहीं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग वो ही सही है, आप चाहे जितना भी लॉजिक देकर उसको खंडन करो फिर भी नहीं मानते। उस प्रकार की जो जिद्दी लोग हैं, फिर वो लोग भी कभी भगवान को परम करके समझ नहीं पाएंगे। एंड इस प्रकार से रिसेप्टिविटी की कमी कहां से क्यों आ रहे हो, मतलब कहां से ये इस प्रकार की कमी पड़ गई रिसेप्टिविटी की, रिसीव क्यों नहीं कर पा रहे, इसका उनकी पहले जीवन में या पहला किया हुआ बुरे कर्मों के कारण या अज्ञान सुकृति की कमी के कारण। अज्ञान सुकृति पर्याप्त मात्रा में है तो जिन व्यक्ति बहुत रिसेप्टिव होता है, अब जैसा भगवद्गीता दोगे तुरंत ले लेगा, अब कुछ प्रचार करोगे तुरंत वो प्रचार समझ लेगा। इसलिए कोई कोई ऐसा होता है कि जिनको आप सालों 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 आप प्रचार करते रहो, उनका दिमाग में कुछ घुसता नहीं है, कुछ भी घुसता नहीं, वो बिल्कुल उसी प्रकार से है जैसा कि आप अगर आप खीर को एक कॉन्क्रीट की पिलर पे ठोकने का प्रयास करोगे तो क्या होगा, कॉन्क्रीट पिलर पे आप खीर ठोकने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, जाता नहीं है, कई बार वो खीर ही टूट जाता है, कई बार खीर टूट जाता है, उतना मतलब उस प्रकार की कॉन्क्रीट दिमाग रहता कई लोगों का, तो फिर नहीं जाता। तो वही स्टबर्न ऑब्स्टिनेसी, क्योंकि अज्ञान सुकृति नहीं। एंड प्रोपोज पर आगे कहते हैं तीसरा अपूर्ण इंद्रियों के कारण, क्योंकि हमारे इंद्रिय अपूर्ण है, अपूर्ण इंद्रियों के कारण भी भगवान के साक्षात्कार को प्राप्त नहीं होता। एंड ऐसा लोग जो अपूर्ण इंद्रियों के साथ जो कुछ भी उन्हें टिक रहा है, जो कुछ भी उन्हें अनुभव हो रही है, उसी को ही कंप्लीट के रूप में मानने लगते हैं, उनका अंडरस्टैंडिंग को, उनकी एक्सपेरिमेंटल नॉलेज को मोस्टली इस कैटेगरी के अंतर्गत मॉडर्न साइंटिस्ट लोग आते हैं।
साइंटिस्ट लोग भी तो यही करते हैं कि उनका जो कुछ भी अनुभव के अंतर्गत आ रहे हैं, उसके इंद्रियों का अनुभव के अंतर्गत आ रहे हैं, उसी को ही परफेक्ट रूप में मान लेते हैं। तो उसकी वजह से भी भगवान कभी उनमें साक्षात्कार नहीं देते हैं। फिर लास्ट कुंती महारानी अपने विषय में बताती है, मैं एक स्त्री हूँ, कम बुद्धि वाली हूँ, इसलिए मैं समझ नहीं पाती हूँ। उसी विषय में आगे बताते हैं, सर को पढ़े। तथा परमहंसा नाम मुनि नाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानात्म कथम पश्ये महि स्त्रियः। आप उन्नत अध्यात्म आदियों तथा आत्मा एवं पदार्थ में अंतर करने में सक्षम होने से शुद्ध बने विचारकों के हृदय में भक्ति के दिव्य ज्ञान विज्ञान का प्रसार करने हेतु स्वयं अवतरित होते हैं, तो फिर हम स्त्रियां आपको किस प्रकार पूर्ण रूप से जान सकती हैं? तथा परमहंसाना गुणी नाम अमलात्मना भक्ति योग विधानात्म कथम पश्ये महि स्त्रियः। उसका पहला वाला श्लोक कहां पर, लास्ट सेंटेंस क्या था? नटो नाट्य धरो यथा। जिस प्रकार से आप अनेक प्रकार के अवतार स्वीकार करके आते हो और हम जैसा मूढ़ दृष्ट लोग आपको पहचान नहीं पाते, जिस प्रकार से एक नाटक में अपने ही व्यक्ति अगर कोई नाटक कर भी रहे हो तो उन्हें पहचान नहीं पाता एक मूर्ख व्यक्ति, उसी प्रकार से मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ क्योंकि अनेक प्रकार का अवतार लेकर आते हैं। उस प्रकार से कहने के संदर्भ में ही ये श्लोक अभी कहा जाता है। आप अवतार लेते भी क्यों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। ये कुंती महारानी की सारा प्रार्थनाओं में ये वाला श्लोक को सबसे महत्वपूर्ण तत्व प्रदर्शित करने वाला श्लोक के रूप में हमारा आचार्य इसको वर्णन करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोक कुंती महारानी प्रार्थनाओं में, मतलब तत्व रूप से, क्योंकि इसमें भगवान की प्राकृति के पीछे जो मूल तत्व है यहाँ पर बताए जा रहे हैं। भगवान प्रकट ही क्यों होते हैं, प्रकट होने का मूल कारण जैसे यहाँ पर कुंती महारानी कहती है, भक्ति योग विधानार्थम, भक्ति योग प्रदान करने के लिए केवल भक्तियों देने के लिए भगवान आ रहे हैं। और किनको देंगे? तथा परमहंसा नाम मुनि नाम अमलात्मना, इन सभी लोगों को, परमहंस की कैटेगरी के लोगों को, मुनियों को, अमलात्माओं को, इन लोगों को भक्ति योग दिखलाने के लिए भगवान आते हैं। और इतना महान आपको तो वैसा खत्म पश्ये मही स्त्रियः, हम कौन है छोटे मोटे स्त्री जो कि आपको पहचानते हैं? सारे जो बात लिखकर देनी हो सारे लिखकर दे दिया, फिर लास्ट में नम्रता से बोलते हैं, मैं कौन छोटे स्त्री हूं, मैं क्या समझ पाती हूँ आपको? तो इस प्रकार से आपने नम्रता को यहाँ पर दिमाग व्यक्त कर दी है। सच में हमेशा एक भक्त को इस प्रकार की नम्रता हमेशा रखनी चाहिए। ये यहाँ पर कुंती महारानी जब ये सारे बातें कह रही है वो आर्टिफिशियली नहीं कह रही, ऐसा नहीं एक ऊपरी तल पर नहीं कह रही कि आर्टिफिशियल नहीं कह रहे, बल्कि वो स्वाभाविक रूप से मतलब उस प्रकार से अनुभव कर रही वो अपने अंदर की इतने बड़े बड़े लोग आपको समझ इतने बड़े बड़े लोग ही तो आपको समझ पाते हैं, या इतने बड़े बड़े लोग भी आपको समझने में विफल हो जाते हैं, तो मैं कौन हूँ आपको समझने के लिए, मैं कौन हूँ आपको समझने के लिए, मैं एक तो साधारण स्त्री हूँ और स्त्री को तो वैसे ही कम बुद्धि वाली माना जाता है, फिर मैं आपको कैसे समझ पाऊंगा? इस तात्पर्य में रूपात स्त्रियों के विषय में खूब गुणगान करते हैं।
तो इसलिए पढ़ेंगे तात्पर्य। तो मुझे तात्पर्य पढ़ना है। हाँ, बड़े बड़े दार्शनिक चिंतक तक श्री भगवान के धाम तक नहीं पहुंच पाते। उपनिषदों में कहा गया है कि परम सत्य परमेश्वर बड़े से बड़े दार्शनिकों की चिंतन शक्ति से परे हैं। वे महान विद्या या महानतम मस्तिष्क द्वारा भी नहीं जाने जा सकते। उन्हें वही जान पाता है जिस पर उनकी कृपा हुई हो। अन्य मनुष्य भले ही वर्षों तक उनका चिंतन क्यों न करते रहें, वे अज्ञेय ही रहते हैं। इस तथ्य की पुष्टि महारानी कुंती द्वारा होती है, जो एक अबोध स्त्री की भूमिका निभा रही है। स्त्रियां सामान्य रूप से दार्शनिकों की तरह चिंतन नहीं कर सकती, लेकिन उन्हें श्री भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है, क्योंकि वे श्री भगवान की श्रेष्ठता तथा सर्वशक्तिमत्ता पर तुरंत विश्वास कर लेती हैं और बिना किसी संकोच के नतमस्तक हो जाती हैं। श्री भगवान इतने दयालु हैं कि वे केवल ऐसे व्यक्ति पर ही विशेष अनुग्रह नहीं करते जो महान दार्शनिक होता है। वे उद्देश्य की निष्ठा से परिचित होते हैं, इसलिए प्राय किसी भी धार्मिक उत्सव के अवसर पर स्त्रियां बड़ी संख्या में एकत्र होती हैं। प्रत्येक देश में तथा प्रत्येक धर्म के संप्रदाय में ऐसा लगता है कि धार्मिक कार्यों में स्त्रियों की रुचि पुरुषों से अधिक होती है। श्री भगवान की सत्ता की स्वीकृति की यह सरलता निष्ठा रहित धार्मिक दिखावे से कहीं अधिक प्रभावशाली है। स्त्री एक सैद्धांतिक लोगों की तरह इस प्रकार की स्पेकुलेशन नहीं करती है, बल्कि भगवान की आशीर्वाद प्राप्त करके वो बहुत स्वाभाविक रूप से सहज रूप से भगवान की सर्वोत्तम स्थिति को वो स्वीकार कर लेती है। बट पुरुषों की इस प्रकार से भगवान की उच्च स्थिति को स्वीकार करने में उनको समय लगता है, थोड़ा इधर उधर तर्क करेंगे तो ये क्यों है, ये वो क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है करके। बट स्त्री तो बहुत सहज रूप से सरलता से वो स्वीकार कर लेती है भगवान की स्थिति को। एंड बिना किसी प्रकार से हिचक के वो प्रणाम कर सकती है। इसी कारणवश कोई भी धर्म कोई भी देश कहीं पर भी क्यों ना हो, हमेशा किसी प्रकार की धार्मिक कार्य होता है, सबसे ज्यादा स्त्रियां एकत्र होती है। ये तो सभी लोगों का अनुभव की बात है। अगर कहीं पर आप भाव प्रवचन रख दीजिए, वहां पर आप काउंट गिन लीजिए कौन ज्यादा आएंगे। अगर 70% स्त्री आएंगे तो 30% कहीं पुरुष रहेंगे। तो इस प्रकार से वहां पर असलियत में स्त्रियों की डोमिनेशन है। बट स्त्रियों के साथ एक प्रॉब्लम है। एक क्या प्रॉब्लम है कि धार्मिक कार्य कोई सा भी क्यों ना, प्रवचन चाहे वो मायावादी प्रवचन दे रहे हैं या नॉर्मल प्रवचन दे रहे हैं, दोनों में ही चले जाएगी, दोनों में ही इक्वली चले जाएगी। वहां पर भी चले जाएगी और यहाँ पर भी बैठ जाएगी, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी। तो ये प्रॉब्लम, क्योंकि तो बहुत आसानी से विश्वास कर सकती है। बट जो जो लोग कृष्ण भावनामृत में इस प्रकार से जुड़ जाते हैं, फिर उनकी बहुत एडवांटेज है, उनकी बहुत एडवांटेज है, क्योंकि जो कमी है वो कवर अप हो गया, क्योंकि उनको सही पद को व्यत्यास करके चुनने में दिक्कत होगी, बट वो सही पद मिल गया। सही पद मिलने के बाद जिस प्रकार के लगन के साथ एक स्त्री कर सकती है, उतना लगन के साथ तो पुरुष नहीं कर पाता। इसलिए ये जितने भी कृष्ण भावनामृत के आंदोलन में जितने भी स्त्री जुड़ जाती है, फिर उनके लिए तो काफी एडवांटेजेस है अगर वो अपने स्वभाव को सही प्रकार से उपयोग करें।
बट प्रॉब्लम ये भी है कि मोस्टली वो लोग अपने घर में ही डर की ही चीजों में मतलब व्यस्त हो जाते हैं, यहाँ पर देने के लिए अपने सारे स्वभाव को भावनाओं को सब कुछ वहीं पर ही लग जाता है, तो यहाँ पर देने के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो इससे फिर अपनी वो लोग फिर अपने एडवांटेज को सही से यूटिलाइज भी नहीं कर पाते, बट आप सभी लोग बुद्धिमान होकर अपनी एडवांटेज को अच्छा से उपयोग करिए, क्योंकि जितना स्वाभाविक रूप से स्त्री भगवान के साथ भगवान के भक्ति में जुड़ सकती है, बाकी पुरुषों को तो काफी अननेचुरल है, क्योंकि बहुत स्वाभाविक रूप से स्त्री जो है फिर सेवा करती है, इट इज वेरी वेरी नेचुरल फॉर अस। पुरुष के लिए एक थोड़ा सा अननेचुरल स्टेट है, क्योंकि वो पुरुष अहंकार होता है ना अंदर, कोई सभी क्यों ना हो थोड़ा सा मैं पुरुष हूं करके जो अहंकार होता है, तो फिर वो नेचुरल सेवा की भावना उनके नहीं आ पाती इतने सहज रूप से, बट स्त्री के अंदर आ सकती है। बट इसको सही प्रकार से आप टोटल करें भगवान की सेवा में काफी जल्दी प्रगति कर सकते, जैसा कुंती महाराज यहाँ पर द सिंप्लिसिटी ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ लॉर्ड्स अथॉरिटी मोर इफेक्टिव। इतना सरलता के साथ भगवान की भगवत्ता को स्वीकार करना ये सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। आगे बढ़ते कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अंत में मैं श्री भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ, जो वसुदेव के पुत्र देवकी के लाडले नंद तथा वृंदावन के अन्य ग्वालों के लाल एवं गौवों तथा इंद्रियों के प्राण बनकर आए हैं। एंड ये भी स्त्रियों के विषय में जनरली आप जैसे इस श्लोक में भी जब प्रोपाल साधन भी जब लिखते हैं लेस इंटेलिजेंट करके, देन कोई पूछ सकते प्रभु जी आजकल तो माता ही तो हर जगह टॉप कर रही है, चाहे कोई भी फील्ड लीजिए वहां पर तो ऑल इंडिया रैंक भी माताओं की आ रही है, तो हर जगह तो माता टॉप कर रहे हैं, तो क्या बात है, तो क्यों इस प्रकार से कहा गया, फिर क्या लेस इंटेलिजेंस है। तो यहाँ पर लेस इंटेलिजेंट का मतलब ये नहीं है कि इन चीजों में इंटेलिजेंस की बातें नहीं की जा रही, तो लेस इंटेलिजेंस का मतलब है इमोशनली वल्नरेबल, मतलब इमोशंस की इमोशनल इंटेलिजेंस के स्तर पर बेसिकली, चाहे कितना कोई भी स्त्री क्यों ना हो इमोशनली ही वो वल्नरेबल रहती है, मैं वल्नरेबल मतलब बहुत सेंसिटिव रहती है, तो ये तो हर जगह देख रहे हैं, तो वो सेंस में इसलिए कोई भी बहुत आसानी से स्त्री की इस इनोसेंस को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, ये इमोशनल इंटेलिजेंस के कारण, बाकी सारे तो खूब बाकी सारे तो उसमें तो कोई डाउट है नहीं, बट ये इमोशनल इंटेलिजेंस की बातें की जा रही है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो यहाँ पर कुंती महारानी विशेष रूप से भगवान कृष्ण ऊपर में इसका पहला वाला श्लोक में अवतारों के विषय में बताई है ना, तो इस प्रकार से अनेक अवतार होते हैं और भक्ति योग विधान आपको भक्ति योग प्रदान करने के लिए अमर आत्मा नाम मुनि नाम परमहंसा नाम इन सभी लोगों को भक्ति योग प्रदान करने के लिए आप आते हो, बट मैं तो एक साधारण स्त्री हूं, मैं तो आपको पहचान नहीं पाऊ समझ नहीं पाती। इस प्रकार से अवतारों के विषय बताते हुए
तो अभी बताती है कि एक पर्टिकुलर अवतार को लेकर फिर उसके विषय में वर्णन कर रहे हैं। कौन से अवतार के बारे में बता रहे हैं? कृष्ण के अवतार, कृष्ण के अवतार, क्योंकि कृष्ण के अवतार काफी विशेष है, काफी विशेष है, क्योंकि भगवान कृष्ण इवन राम जिसे भी ज्यादा दयालु, कि राम जी को, भगवान श्री राम को कोई अप्रोच करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो हमेशा एक राजा का ही पुत्र रहे, हमेशा एक राजा का ही पुत्र रहे, इसलिए फिर राजा का पुत्र है तो कोई सभी लोग तो फिर प्रणाम ही तो करेंगे, इतना आसानी से उनके साथ मिलजुल तो नहीं पाएंगे। बट भगवान कृष्ण ने क्या किया, तो जैसा जन्म लिया माता पिता को छोड़कर फिर वृंदावन में आ गए, ताकि सभी लोग आराम से कंधे कंधे मिलाकर खेल सके, बहुत आसानी से भगवान के साथ मिलजुल कर अपने संबंध बना सके। तो इस वजह से भगवान कृष्ण ने बहुत सुंदर उपलब्धि सभी भक्तों के लिए प्रदान की है अपने माता पिता को छोड़कर। तो इस प्रकार से कृष्ण बहुत आसानी से अप्रोचेबल है राम जी की तुलना, इसलिए कृष्ण काफी स्पेशल अवतार के रूप में यहाँ पर कृपा जी तात्पर्य अंतर्गत वर्णन करते हैं। यहाँ पर तुरंत क्या कहती है, कृष्णाय वासुदेवाय, सबसे पहला नाम किनका लिए थे, कौन सा नाम लिए थे, आप वासुदेव के पुत्र हो करके, क्योंकि वासुदेव ही तो एक रिश्ता है ना, जिनके द्वारा कुंती महारानी कृष्ण के साथ संबंध है उनकी, अगर वासुदेव का पुत्र ही नहीं होते तो फिर कुंती महारानी को उस प्रकार की एक क्लोज रिलेशनशिप तो नहीं बन पाती, क्योंकि वासुदेव की सिस्टर रही कुंती महारानी, तो उस प्रकार से कुंती महारानी का भतीजा बने भगवान कृष्ण, उस प्रकार की एक निकटतम संबंध नहीं बन पाता है। तो वैसा निकटतम संबंध बनाने में वासुदेव के साथ जो उनकी संबंध रही तो वही कारण है, तो इसलिए यहाँ पर तुरंत यहाँ पर कुंती महारानी जो है वासुदेव को याद कर रही है, इसलिए कृष्ण आया वासुदेव आया। तो कहती है नंद देवकी नंदनाय च, तो वासुदेवा, वासुदेव देवकी के पुत्र आप बने हो, तो उस प्रकार से आपके साथ हमारे संबंध जोड़ सका। और फिर कहते हैं कि नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, वैसे यहां पर आप नंद और यशोदा मैया के पुत्र हो, क्योंकि नंद और यशोदा मैया देवकी और वसुदेव से भी ज्यादा भाग्यशाली है, ज्यादा भाग्यशाली है, क्योंकि नंद और यशोदा दोनों को भगवान की बाल्य लीलाओं की दर्शन करने को उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ, वो भाग्य देवकी और वसुदेव को कभी नहीं रहा। किसी का भी जीवन में सबसे आनंद प्रदान करने वाले समय तो वही बचपन का ही होता है, मजा लेने वाला और मजा देने वाला। बड़े बनने के बाद सभी लोग अपने अपने कॉलेज में चले जाएंगे, स्कूल में चले जाएंगे, ऑफिस चले जाएंगे, सभी अपना अपना जीवन में व्यस्त हो जाएंगे, समय ही नहीं होगा समय बिताने के लिए साथ में, तो उस स्थिति में तो फिर कौन सा आनंद आता है माता पिता को बच्चों से, बच्चों से जो कुछ भी आनंद आता है वो बचपन का ही समय है, बड़े बनने के बाद तो रुलाएंगे, बड़े बनने के बाद तो रुलाते ही है, तब तो आनंद ही नहीं है, तो जो कुछ भी आनंद बचपन में है। सच में आज के समय तो बहुत ही बुरा हाल है, आज ही हम किसी से मिल रहे थे, हमारे पिताजी का कोई फ्रेंड है, तो उनका कोई बेटिया है, पर
बेटा है, सभी लोग हैं, परिवार में बड़ा परिवार है, उन्होंने खूब काम किया जीवन भर, अभी रिटायर हो गया, पेंशन आता है तो पेंशन के ऊपर ही फिर सब लोग जी रहे हैं। फिर उन्होंने कुछ गलती किया, उस गलती की फिर उसकी उस गलती की वजह से फिर उनके परिवार वालों ने फिर उनको कुछ दान दिया, कह दिया, और फिर वो बोल बोल कर रो रहे थे कि मेरे बेटिया जो है, उनके बेटे मतलब यहाँ तक कह दिया कि तुम कहीं जाकर मर जाओ, कहीं जाकर मर जाओगे, सही बस कहीं बोल करते कि मतलब ऐसा ऐसा कह रही है, फिर वही लगता है ना, बहुत शोक लगता है ऐसी स्थिति में। अरे जिन्होंने बचपन में इतनी गोदी में लेकर इतना प्यार से मुझे खिलाया पिलाया बड़ा किया, इतना प्यार मुझे बुरा से कह रहे हैं कई तक के नीचे दिल पर मर जाओ, क्या तो एक्चुअली यही हाल है सभी का। तो कोई कोई पूछते हैं तो जी आप लोग ब्रह्मचारी बन जाते हैं तो इसी तरह से भगवान आश्रम में अगर कोई चले जाए देन फिर बुढ़ापा का क्या गारंटी है, कौन देखेंगे, नहीं भी जाएंगे तो देखने वाला कौन है, आज देख कौन रहे हैं, अगर ऐसा कहने के लिए क्या गारंटी है, रहेंगे भी तो क्या गारंटी रखें, रहेंगे भी तो गारंटी नहीं। तो वो पूछ रहे थे प्रभु जी मुझे बताएं, मेरे जैसे तो कई बच्चे बच्चे हैं तो आप बताएं मैं क्या करूं, कहीं इस्कॉन टेम्पल रूम तो रख लेंगे या नहीं, आप पहले आ जाते हो तो हम रख लेते आपके लिए, पहले आ गए होते ब्रह्मचारी की उम्र को तब हम रख लेते, तब भी तो निकल गया आपकी उम्र, तो जैसा आप कह सकते कहानी तो हर घर की कहानी चल रही है, तो इस प्रकार से एक केवल एक झूठा एक आश्रय है कि हमें कोई आनंद देंगे या हम सुरक्षित रहेंगे, सुरक्षित रहना तो इस दुनिया का है ही नहीं, दुनिया में संभव ही नहीं है, हर जगह असुरक्षता जो है इनसिक्योरिटी फैला हुआ, व्हाट सिक्योरिटी टू बी हैड इन दिस वर्ल्ड, देयर इज नो सिक्योरिटी एट ऑल, इट्स ऑल बोगस। यहाँ पर बचपन की लीलाओं से भगवान खूब आनंद दिए यशोदा मैया नंद महाराज को, इसलिए नंद और यशोदा मैया को सबसे भाग्यशाली माना जाता है। देवकी का मतलब अभाग्य ही कहा जा सकता है, वो पहली बार ही दूध पिलाकर भगवान को भेज दी, फिर उसके बाद कभी नहीं दे, बड़े बनकर जब भगवान वापस लौटे तभी देखा, तब तक देखा भी, इसलिए बेचारे उनकी इच्छा था बाल लीला देखू, एंड ही नॉट बिकम द सन ऑफ वसुदेवा एंड देवकी, पी कुंती कुड नॉट प्ले, तो ये सारे बातें तो हमने बता ही दिया, तो इस प्रकार से यहाँ पर पात्रना चले है। तो 22 वर्ष होता, नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये, जिनके उदर के मध्य में कमल पुष्प के सदृश नाभि है, जो सदैव कमल पुष्प की माला से शोभायमान है, जिनकी चितवन कमल पुष्प के समान शीतल है और जिनके चरणों में कमल अंकित है, ऐसे हे प्रभु मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ। यहाँ पर
कुंती महारानी भगवान को प्रणाम कर रही है या भगवान के अंगों को वर्णन कर रही है, कहते हैं नमः पंकजनाभाय, आपके नाभि जो है या आपके नाभि से ही तो जो भगवान को पंकजनाभाय कहा जाता है, क्योंकि भगवान के नाभि से तो पंकज या कमल प्रकट हुआ है, जिस कमल में ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। कि कौन सा विष्णु है जिनकी गर्भ से कमल प्रकट होकर कमल में ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं? तीन विष्णु है ना, तीन विष्णु है, तीनों विष्णुओं में कौन सा विष्णु है जिनकी गर्भ से प्रकट होते हैं? गर्भोदक साई विष्णु उनकी गर्भ से ही प्रकट होता है। क्षीरोदक साई विष्णु, कारणोदक साई विष्णु की नाभि से तो नहीं प्रकट होता, कोई कमल प्रकट नहीं होता, केवल गर्भोदक साई विष्णु के नाम से प्रकट होता है। उस प्रकार से नमो पंकजनाभाय, और वैसा तो जब भगवान के दर्शन करना होता है, भगवान के दर्शन हम कैसे करते हैं? भगवान के चरण कमलों से शुरुआत करके धीमे धीमे हम भगवान की उपमंडल की ओर हम आते हैं। पहले चरण कमलों को दर्शन करते हैं। कहा जाता है जब तक लोग चरण कमलों को पर्याप्त मात्रा में देखते नहीं है या उसे निहारते नहीं, तब तक उन्हें आगे नहीं बढ़ना है, ऊपर नहीं जाना। उस प्रकार से पहले चरण कमलों को दर्शन किया जाता है, फिर उसके बाद रुक्नों तक, फिर उसके बाद झंकों तक, फिर उसके बाद भगवान के नाभि, फिर उसके बाद भगवान के उदर, फिर भगवान की क्या कहते हैं बाहु, फिर उसके उपरांत भगवान के कंठ, फिर उसके बाद भगवान के मुख, फिर उसके बाद भगवान की सुंदर स्माइल। तो उस प्रकार से भगवान के दर्शन करना होता है। बट यहाँ पर कुंती महारानी कहाँ से स्टार्ट कर रही है? कुंती महारानी तो नाभि से स्टार्ट करते हैं। इसका कारण हमारे आचार्य बताते हैं कि क्योंकि कुंती महारानी सोच रहे थे कि अगर मैं उनकी चरण कमलों से देखना और वर्णन करना शुरू करूं, तो फिर भगवान को थोड़ा सा अजीब सा एम्बरेसिंग लगने लगी कि मेरी क्या कहेंगे आन, तो सभी को ही आन कह देते हैं। यहाँ पर पतिता पतिता मतलब हुआ हुआ, हाँ क्योंकि कुंती बनाने का एक वात्सल्य में संबंध है ना भगवान कृष्ण के साथ, पुत्र के समान है। बुआ के लिए तो पति जाए पुत्र के समान है, तो वैसे पुत्र के समान व्यक्ति को अगर उनकी चरणों को देखकर उसकी वंदन करने लगे, फिर उनको थोड़ा सा एम्बरेसिंग की लोग करके कुंती महारानी ने जो है उनके नाभि से वंदन करना शुरू कर, नाभि से शुरुआत करके धीमे धीमे फिर अपने मुख तक वर्णन करते हैं, फिर उसके बाद वापस उनके चरणों पर जाकर फिर चरणों के विषय में वर्णन करते हैं। उस प्रकार से भगवान के सारे अंगों को यहाँ पर इस श्लोक में कुंती महारानी वर्णन करते हैं। नमः पंकज मालिनी, और भगवान आप देखेंगे कि पंकजों से या कमलों से बना हुआ माला पहनते हैं भगवान। नमः पंकज मालिनी, पंकज मतलब वही है कमल है, कमल से बना हुआ माला पहनते भगवान। नमः पंकज नेत्राय, जिनकी आंखें कमल की तरह है, कमल सदृश है। जैसे आप देखिए भगवान की आंखें कर्ण विवरेण कहा जाता है, कर्ण विवरेण मतलब कर्ण मतलब कानों तक, भगवान की आंखें इतने बड़े होती है जैसे हमारे आंखें यहाँ तक है ना, बट भगवान की आंखें कानों तक चले जाती है, उतने बड़े कमल की तरह आंखें रहती है। जैसे कि आप कभी जब अभी मंदिर जब जाओगे तब गोविंद जी की आंखें देखना, गोविंद जी की आंखें देखना, बड़े बड़े आंखें होती है, राधा रानी का भी बड़े बड़े आंखें होती है, जितना हमारे आंखें होती है चाइनीज का तो आंख ही नहीं होता है।
तो हमारा उनसे थोड़ा बड़ा है, तो हमसे भी बड़े हैं फिर भगवान। तो इतने बड़े बड़े आंखें होती है, फिर लगभग कान तो पहुंच जाते हैं, इतना सुंदर आंखें। तो नमः पंकज नेत्राय, कमल की तरह जानते हैं। एंड फिर मैं एक एक चीज क्या वर्णन करूं, नमस्ते पंकजां करे, आपकी जो दो चरण कमल है वो दोनों में तो कमल का ही तरह है, कमल का ही तरह है। फिर यहाँ पर वर्णन करते हैं वैसा, यहाँ पर कमल की तरह कहने का मतलब ये नहीं कि कमल का ही तरह होता है, आप कमल को और भगवान के अंगों को साइड पे रख के आप देखेंगे तो देखो दोनों से ऐसे ही नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक्चुअली कमल की तरह नहीं है, बट कमल एक हमारा अनुभव के अंतर्गत, हम जैसा भौतिक लोगों के अनुभव के अंतर्गत एक कमल है, इसलिए हमें एक अंदाजा दिलाने के लिए कहा जा रहा है कि देखिए कमल की तरह होगा, एक अंदाजा दिलाने के लिए, बट कमल की जैसा नहीं, भगवान के अंग तो और खूब सुंदर है, सारे अंग और खूब सुंदर है, बट केवल एक अप्रोक्सीमेशन हमें दिलाने के लिए यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है, अप्रोक्सीमेशन दिलाने के लिए इतना इतना है, इसलिए वो अप्रोक्सीमेशन देने के लिए हमें कमल से तुलना किया जाए। अप्रोक्सीमेशन देने के लिए हमें ऐसा चीजों के साथ तुलना करना पड़ेगा जो चीज हमारी अनुभव के अंतर्गत है ना, तो इसलिए यहाँ पर हमारी अनुभव के अंतर्गत जो कमल है उस कमल से ही तुलना करके भगवान के अंगों को वर्णन कर रहे हैं, इसलिए हर बार ही इस प्रकार से वर्णन करते हैं। तो ये चीज प्रभुपाद यहाँ पर लिखते, वन शुड नॉट ट्राई टू लुक एट द फेस ऑफ द लॉर्ड विदाउट बीइंग एक्सटम्ड टू सीइंग द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। जब तक भगवान के चरण कमलों पे अपने ध्यान लगाने का अभ्यास हम नहीं करेंगे तब तक भगवान के मुख को देखना ही नहीं, भगवान के मुख को देखना ही नहीं जब तक हमें भगवान के चरण कमलों को देखने का अभ्यास नहीं करेंगे, तो ये हमें अभ्यास करना होगा। देखिए आपकी ध्यान कब लगेगी, जब आप देखेंगे आपको लगा रहे कितना देर तक देखते रहो, वही तो का चरण है, ये वही तो आकार है, तो कितना देर तक देखते रहो। जब आप असलियत में then you will be able to relate to those whatever limbs you are seeing, जब आप जिन अंगों का देख रहे हैं उन अंगों के साथ एक कनेक्शन आप बना पाओगे, फिर आपको देखने में रस आएगी। कनेक्शन बना कब पाओगे, जब उन अंगों के विषय में जब आप उसकी महत्व सुनेंगे, भगवान के चरण कमल के महत्व के विषय में जब आप सुनेंगे और उसके विषय में विचार करेंगे, उस विचार के साथ जब भगवान के चरण कमलों को दर्शन करेंगे, तब फिर आपके मन लगेगी भगवान के चरण कमलों को देखने में। वैसा आप जाकर खड़े हो जाएंगे तो देन फिर कोई बहुत ज्यादा कुछ आपको नहीं लगने वाली है, स्मरण करना पड़ेगा तब भगवान के चरण कमल किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने धोया है, किस प्रकार से इन चरण कमलों की प्राप्ति के लिए ही लक्ष्मी जी तपस्या करती हैं, और इन चरण कमलों की प्राप्त मतलब इन चरण कमलों को रखने से ही बलि महाराज का उद्धार किस प्रकार से हुआ है, किस प्रकार से चरण कमलों के संबंधित सारे महिमा को हम स्मरण कर सकते, तब जाकर एक प्रकार की आनंद रस आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर हम वीडियो क्यों ऑन कर रहे थे मेरी, यहाँ पर हम समाप्त करेंगे और अगला श्लोका से हम अगले बार में चर्चा करेंगे 23। इसे कोई प्रश्न है अभी तक जो हम देख सकते हैं, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे आपने बोला जब भगवान
अवतार लेते हैं तो मूर्ख लोग उनको पहचान नहीं पाते हैं। तो जैसे जब चैतन्य महाप्रभु अवतार लिए थे, प्रकट हुए थे, तो जैसे जो शास्त्रों को पढ़े नहीं थे, जैसे साधारण लोग जो शास्त्र के विषय में उनको ऐसा जानकारी नहीं थी, वो तो पहचान नहीं पाए होंगे। लेकिन जो मायावादी थे तो वो तो शास्त्र तो पढ़े थे, तो जैसे शास्त्रों में तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में स्पष्ट लिखा हुआ है, तो वो शास्त्रों को पढ़ने के बाद भी फिर चैतन्य महाप्रभु को क्यों नहीं पहचाने? जैसे शास्त्र में तो भगवान का ही स्वरूप है ना। जैसे मैंने कहा, जब तक हमारे इंद्रिया शुद्ध नहीं होती तब तक हमें माया जो है हमें भगवान को देखने नहीं देती। माया जब अधिकार छा, तो वहां पर वो भगवान को अपने बुद्धि के द्वारा समझने को प्रयास कर रहे, पर क्या प्रॉब्लम क्या है कि माया बीच ना आ गई, इसलिए माया बीच ना आने कारण पर वो भगवान को समझ नहीं पाता। जिस प्रकार से हमने कहा ना, भगवान के नाम हम कह तो रहे, पर हम भगवान के नाम तो हम ना कह पाते ना सुन पाते। कोई कहते मैं तो भगवान के नाम नाम में तो कह रहा हूँ, वही तो सुन रहा, पर वो बस होता नहीं। उसी प्रकार से ही यहाँ पर भी वो शास्त्र पढ़ तो रहे हैं और उनको कुछ समझ में भी आ रहे हैं, बट उन्हें जो समझ में आ रहे हैं वो वही चीज नहीं कि जो कि शास्त्र में असलियत में दी गई, क्योंकि तो माया भी समझ में आ रहा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आपने यहाँ पे चीज बताया था कि वुमेन आर लेस इंटेलिजेंट, मीन्स दे आर इमोशनली वल्नरेबल, तो उनको कोई भी इमोशनली एक्सप्लॉइट कर सकता है, तो हाउ कैन दे प्रोटेक्ट आवर सेल्फ एंड हाउ कृष्णा हेल्प, लाइक मतलब जो है वो भगवान की तरफ अच्छे से इंक्लाइंड भी हो जाती है और उनको ज्यादा कुछ प्रैक्टिस भी नहीं करना पड़ता है इसके लिए, तो उसमें भगवान फिर उनको कैसे प्रोटेक्शन देते हैं या वो खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं इसके बारे में? जैसे भगवान अपनी कुंडली में रान को प्रदान करते हैं, जिस प्रकार से भगवान कुंडली में रानी को, जिस प्रकार से कुंडली में रानी को प्रदान करने के लिए लक्ष्य प्रदान की है, उसी प्रकार से भगवान से लक्ष्य प्रदान करेंगे। इसलिए ही शास्त्र में कहा ही जाता है भगवान के संरक्षण भगवान की आज्ञा के द्वारा। जब तक हम उस आज्ञा का पालन करेंगे तब तक हम सुरक्षित होंगे। उसी प्रकार से जो भी भगवान ने स्त्री के विषय में जिस प्रकार का भी आज्ञा या विधि विधान दी है, उस विधि विधान के अंतर्गत तब तक स्त्री रहेंगे सुरक्षित रहेंगे। भगवान वर्णाश्रम का भी अंतर्गत बताए स्त्री को हमेशा आश्रम में रहनी चाहिए, शुरुआत में अपने पिता के आश्रम में, फिर बाद में पति के आश्रम में, फिर लास्ट में अपने पुत्रों के आश्रम में। उस प्रकार से हमेशा जिस प्रकार कुंडली में रहने की, तो वैसे ही रहनी अपने पुत्रों के आश्रम में रहनी। उस प्रकार से हमें शास्त्र के वचन का पालन करना पड़ता, धर्म और रक्षा की रक्षा पालन। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण, हाँ धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी जैसे हमें ये कुंती महारानी की अगर ये याद करने श्लोक का, तो इसको एक दूसरे से कनेक्ट कैसे करें कि पहले श्लोक के दूसरे से कनेक्ट करें याद करते हुए, तो ये क्या होएगा कि जैसे कि दूसरा इस तरह इससे जुड़ रहा है, तीसरा इस तरह जुड़ रहा है, तो याद करने के लिए क्या प्रोसेस होना चाहिए ये श्लोक का याद करने के लिए? श्लोक याद, कोई भी श्लोक आपको याद करना है तो फिर यही तरीका है, रोज और जोर से पढ़ते रहिए। नहीं, एक दूसरे से कनेक्ट करते हो कि फर्स्ट के बाद सेकंड ये आएगा, फिर थर्ड ये होना चाहिए, तो ये क्या होना चाहिए, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए कि तीसरा ये बनेगा फिर चौथा ये बनेगा, ऑर्डर वाइज अगर करना हो तो? हाँ, जिस ऑर्डर में कुंडली में रानी कहा है वही तो ऑर्डर है, एंड फिर जैसा लिंक लिंक का हम बता ही रहे थे। हाँ। जैसे उदाहरण के लिए पहले कुंडली में रानी सारे अवतार के विषय बताए थे,
उसमें कृष्ण विशेष अवतार है, उस विशेष अवतार को जो में कृष्ण आया वास्तव उसको बताई, तो इस तरह कनेक्शन तो हम बता ही रहे श्लोक टू श्लोक कनेक्शन, कनेक्शन के माध्यम से आपको। अच्छा, इस कनेक्शन से ही याद करना चाहिए। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जैसे आप फ्लो में पढ़े जैसे आपको सीरीज में, हाँ वही थोड़ा सा पूछना था। थैंक यू, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। और किसी को कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, प्रभु जी भक्ति में आपने शुरू में हमने मतलब जो पढ़ा कि आत्मा के स्तर पर रहता है, तो फिर कुंती महारानी तो उनको पहचानती थी वो भगवान है, तो वो तो शुद्ध भक्तों में ही रही, तो फिर वो अपने आप को वो कैसे कह रही थी कि स्त्रियां मूढ़ बुद्धि होती हैं, और मतलब वो मुझे कंफ्यूजिंग लग रहा है थोड़ा सा, क्योंकि ये भक्ति का बीज तो आत्मा में रहता है ना, वो स्त्री और पुरुष तो नहीं है। इसलिए मूल बुद्धि, ये बुद्धि जो है ये तो आत्मा का कोई लक्षण नहीं है ना, आत्मा का कोई लक्षण नहीं है। तो यहाँ पर जब कह रहे हैं कि श्री मूल बुद्धि का होती है तो भगवान को समझते हैं, निश्चित रूप से जैसे आप कह रहे हैं कि आत्मा से संबंध है इसका, आत्मा तक पहले पहुंचना तो होगा, उस स्तर तक तो पहुंचना तो होगा, फिर तब कहा जा सकता है कि आत्मा उस स्तर तक स्तर की प्रैक्टिस तो है नहीं, इसलिए वो अपने आप को एक निम्न स्तर पे रखते हुए कह रहे हैं। वो उनकी नम्रता है कैसे तो हरे कृष्ण प्रभु जी, लास्ट वीक टेस्ट हुआ था छठवां और सातवां चैप्टर का, उसका रिजल्ट अनाउंस करना है। Total 20 questions, total marks 40, total participants 36. First position, Ved Vyas Prabhu, 40 marks. Second position, Arvind Prabhu, 38, Akuti Mataji, 38. Third position, Bhumika, 36. Rajesh Prabhu, 36, Shalini Mataji, 36. Sonia Mataji 36, fourth position, Roma Mataji 34. वहां से बेटी आगे चल गई। प्रशांत प्रभु 34, मुकुंद मेल 34. डेफिनेटली उनको निश्चित रूप से अप्रिशिएट करनी चाहिए कि उन्होंने क्वेश्चन को तैयार किया है, आंसर लिखने वाले को तो 5 मिनट लगता है। क्वेश्चन बनाने वाला और लिखने वाला तो बहुत मेहनत करता है, वेरी गुड जॉब। ठीक है, फिर यहाँ पर समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा, तो प्रभु जी का हम धन्यवाद करेंगे हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आज की कक्षा के माध्यम से। प्रभु जी ने जिस प्रकार से बताया कि हम भगवान को अपने आचार्यों के माध्यम से उनकी दिशा निर्देश से या उनकी चक्षु से हमें देखने का प्रयास करना चाहिए, और योग माया
जो है हमारी आंखों को ढकती हैं, न कि भगवान को, क्योंकि उनको ढकने के लिए उन्हें पूरा विस्तार करना पड़ेगा, क्योंकि वो भगवान इतने पूरे उनका ऐसा शरीर है कि उनको ढक ही नहीं सकते, क्योंकि उनसे वो खुद उनका ही उनकी निकली उन्हीं से वो निकली हुई है, उनकी ही अंश है एक तरह से, तो उनको ढकना संभव है, क्योंकि वो उनका विश्व रूप एक प्रकार से है, तो उनको ढक ही नहीं जा सकता। जिस प्रकार से प्रभु जी ने एग्जाम्पल दिया सूर्य का और बादल का, सूर्य इतने विशाल हैं कि उनको बादल ढक ही नहीं सकता। अगर एक जगह पर बादल ढकते हैं तो कहीं और किसी अलग जगह पर हम उनको देख पाते हैं सूर्य को। तो आज की कक्षा के लिए प्रभु जी का हम लोग धन्यवाद करेंगे एक बार महामंत्र बोलकर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी उपस्थित प्रभु जी और माता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद समय पर कक्षा में उपस्थित होने के लिए और क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। भागवत महाप्राण की, प्रभुपाद की जय। वेदांत प्रभु जी की जय।